मैंने प्रोजेक्ट्स काफ़ी किए हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने कुछ फिल्म्स हैं उनकी प्लेबैक सिंगिंग की है, जिसमें से पर्ची है जिसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया है। उसके बाद मैंने पीटीवी के साथ 45 टॉपिक्स पे जो है वो रैप टॉपिक्स पे काम किया है। उसके बाद फिर मैंने अपनी नेक्स्ट एल्बम रिलीज़ की है पैशन। उसके बाद मैंने एक और एल्बम अपनी रिलीज़ की है थॉट्स बंदिया लव नॉट। या क्या बात है। तो ऐश, अच्छा रैप की तरफ कैसे हैं आप? हाँ मैं भी। ऑलराइट, सो रैप की तरफ मैं ऐसे आई क्योंकि मैंने ये देखा कि फीमेल रैपर पाकिस्तान में नहीं थी। आजकल की जो हमारी ये समझ लें कि जो यंग आवाम है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा शौक से रैप सुनते हैं। मतलब हर बंदा कहता है कि किसी ना किसी गाने में रैप का टेस्ट लाजमी होना चाहिए, चाहे वो सैड गाना हो, चाहे वो लव गाना हो, या फिर किसी भी टाइप का गाना हो। तो दैट्स वाई मैंने देखा और मैंने बोला कि यार रैपर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है और मुझे स्टार्ट ले लेना चाहिए फीमेल रैपर की। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि आप पाकिस्तान में पहली खातून रैपर हैं, और जब आपने सोचा कि मैं रैप करूँगी तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? स्टार्टिंग में फैमिली का रिस्पॉन्स तो यही था कि क्या कर रही हो क्या गा रही हो क्या बोल रही हो। ये नहीं कहा कि अच्छा ये तो कर रही हो, इसके अलावा क्या करोगी। हाँ, मैं अपने बाबा के सामने इस तरह तेज़ तेज़ बोलती थी और मेरे बाबा मुझे कहते थे कि यार क्या कर रही हो, मतलब क्यों, ये क्या है। तो फिर मैंने अपने बाबा को सुनाया कि ये रैप है, कार्डी बी को सुनाया, एक दो और सिंगर्स थे इंग्लिश रैपर्स थे उनको सुनाया, फिर मैंने अपनी मदर को बताया। तो फिर उन्होंने कहा यार वाकई में ये तो कुछ यूनिक चीज़ है, कुछ नया है, तो यार यू शुड गो फॉर इट। तो फिर मैंने जो है इंस्पिरेशन किससे लिया आपने? अच्छा, इंस्पिरेशन मेरी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले बोहेमिया को सुना, उसके बाद कार्डी भी है, एनएफ रियल है। तो मैंने सबसे पहले कवर भी बोहेमिया का एक गाना है एक तेरा प्यार वो किया था। और फिर मैंने बाद में भी जो है मैंने सिद्धू को काफ़ी सुना, सिद्धू मूसेवाला को, एक इंडियन रैपर है। एमिवे को सुना काफ़ी मैंने जी। तो ऐश, आपने टू पाक नहीं सुना? टू पाक क्यों नहीं, ठीक है, आपने सुनाए फिर कोई रैप? रैप अगर आपने करना है तो आपने टू पाक नहीं सुना, तो हम चाहते हैं फिर आप सुनाएं जरा रैप हमें। हाँ बिल्कुल, मैं आपको रैप सुनाऊंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस को कि ये जो रैप मैं अभी करने लगी हूँ ये एक सूफिज्म का रैप है। मतलब मैंने इसके अंदर एक सूफिज्म की कुछ बातें की हैं, बुल्ले शाह से इंस्पायर होकर मैंने ये रैप बनाया है, और पाकिस्तान में अभी तक मैंने नहीं सुना। तो ऐश, आप कौन सा रैप सुनाने जा रही हैं? मैं आपको एक सूफी रैप सुनाने जा रही हूँ जो मैंने बुल्ले शाह से इंस्पायर होकर लिखा है, और इस पे मैंने अब रब की ज़ात के बारे में बात की है और इंसान के बारे में बात की है कि इंसान कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह है और वही रहने वाला है, और आप कुछ भी नहीं है, आप किसी को, आप कोई नहीं है कि आप किसी को पनिशमेंट दें, सिर्फ अल्लाह है जो पनिशमेंट दे सकता है। जबरदस्त, चले ओके। केड़ी शैदी अकड़वे बंदिया, की है तेरे पल्ले बंदिया, ऐब किसी का बेनिकाब न कर, खुदा कर लेगा खुद तू हिसाब न कर, बत बत पे यूं एहसान जिताने वाले, अपनी नेकियां खराब न कर, मुकामे नुकता बदल गया मेरा, निखर रहा था सब बिखर गया मेरा, हिसाब से जीऊंगी जिंदगी मैं अपनी के कितनी गलती पता चल गया मेरा, इश्क को पी जा इश्क उतार अंदर, तो बाकी ना रहे रहेगा बस यार अंदर। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त, ये आपने खुद लिखा है? थैंक यू जी, मैंने खुद लिखा है, और इसमें मैंने ये कहा है कि तू जो है वो नहीं बाकी रहेगा, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी, सिर्फ खुदा बाकी रहेगा। समझने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत फास्ट है, अभी समझना पड़ता है कि क्या कह रही हैं। तो ये आपको याद कैसे रहता है, हमें तो समझते हुए इतना वक्त लग रहा है। एक्चुअली ये मैंने खुद लिखा है तो शायद ये भी एक बात है, और दूसरा ये एक टैलेंट है मेरे अंदर रैपिंग का कि मैं रैप कर सकती हूँ, तो शायद इसलिए मुझे याद रहता है। तो ऐश, ये कब आपने डिस्कवर किया अपना टैलेंट? आप बचपन में जब कभी स्कूल थी, स्कूल कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ पे भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया आपने? जी बिल्कुल, मैं सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, और तब मैं रैप नहीं करती थी, मैं सिर्फ गाने गाती थी। अच्छा। और मैं अपने ग्रेजुएशन तक गाने ही गाती रही हूँ, और बाद में मैंने ये देखा है कि मैं रैप भी कर सकती हूँ, और फिर मैंने रैप का करियर स्टार्ट किया। हमें ये पता चला है कि आप माशर्ती वाकयात पर ज़्यादा लिखती हैं, इसकी क्या वजह है?
जी बिल्कुल, मैं लिखती हूँ अपनी ज़िंदगी पे। मैंने अपनी पूरी ईपी, पूरा एल्बम आउट किया है जिसमें थॉट्स, तस्वीर, लव नॉट और ये रुल दे नवाब गाने हैं। वाकई में मैं लिखती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी जो आवाम है उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आता है, किसी की ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता है। तो मैं हर हिसाब से गाने बनाती हूँ ताकि हर बंदे के हिसाब से उसके हिसाब का टेस्ट हो, ताकि वो पसंद करे और वो सुने। अच्छा, अगर कोई और लड़की आपकी तरह रैपर बनना चाहती है तो आप क्या मशवरा देंगे उसको? अगर मेरी तरह रैपर बनना चाहती है तो मैं उसको यही मशवरा दूंगी कि अपने ड्रीम्स के लिए लाजमी स्ट्रगल करो, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चलो और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि ड्रीम्स जो हैं वो हर इंसान का ख्वाब होता है और कभी भी ख्वाब टूटने नहीं चाहिए। अच्छा ऐशा, हमें ये भी पता चला कि आपको एक अवार्ड भी मिला है रिसेंटली, तो उस हवाले से भी बताएं। मैं एक्चुअली आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर लक्स स्टाइल अवार्ड। मेरे दो गाने नॉमिनेट हुए थे दो कैटेगरीज में। तो या दैट्स द थिंग, मुझे पता नहीं था कि बंदिया या फिर पैशन जो है वो नॉमिनेट हो जाएंगे, लेकिन जब हुए तो आई वाज सो हैप्पी। और ये भी मेरे लिए एक ये समझ लें कि आज के बाद आप नॉमिनेट हुई हैं, अभी अवार्ड नहीं मिला आपको, आपको नेक्स्ट टाइम मिले। अगर आप नॉमिनेट हो चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको अवार्ड भी मिले। तो ऐसे ही बताइएगा कि म्यूजिक है या कुछ भी आर्ट की कोई भी अगर हम फॉर्म लेते हैं तो वो बगैर क्रिएटिविटी के नहीं हो सकती, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई साजगार माहौल चाहिए। किस तरह का एनवायरनमेंट आपको पसंद है, कब आमद होती है? कितना रियाज करती है? बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ, मैं सबको कहती हूँ निकल जाओ कमरे से बाहर चले जाओ, और मैं अपने हिसाब का माहौल बनाती हूँ और घर के अंदर मेरा अपना एक घर होता है और जिसके अंदर मैं लिखना शुरू करती हूँ। अच्छा, वैसे रैप का रियाज कैसे करती हैं? क्या लिखती हैं लिरिक्स, फिर उसको मिटाती हैं, फिर दोबारा लिखती हैं, फिर उसको रैप करके देखती हैं, होती क्या है प्रैक्टिस बेसिकली? मैं एक्चुअली बिल्कुल सच बोलूँगी, मैं कभी कभार अगर कोई खाना बना रही होती हूँ तभी अचानक लाइंस मेरे माइंड में आ जाती हैं और मैं फ़ौरन लिख लेती हूँ, या मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, लाइंस अचानक से मेरे माइंड में आती हैं और मैं लिख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं स्पेशल बैठना पड़ता है। ऐश, हमारे प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं बड़ा ज़रूरी सवाल है, और वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे नॉर्मल सिंगिंग के लिए रियाजत होती है सारे गामा, तो रैप के लिए क्या, किस तरह का सारे गामा पादा नहीं सा, ऐसी कोई रियाजत होती है? वाह अजीम, आपने भी अच्छा किया, फिर करके दिखाएं। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रैप के लिए आपको आमद भी होती है, लेकिन आपको रैप के लिए ना प्रॉपर, लोग कहते हैं कि जो रैपर्स हैं वो सिंगिंग नहीं कर सकते और जो सिंगर्स हैं वो रैपर नहीं बन सकते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो नेक्स्ट एल्बम आ रहा है उसके अंदर एक चार गाने हैं जिसके अंदर बिल्कुल रैप भी नहीं है, मतलब मैं सिंगर भी हूँ और मैं रैपर भी हूँ। क्या बात, तो मुझे वो चीज़ करनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आई कैन डू बोथ, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप फैमिली फंक्शंस वगैरह पे जाती हैं या दोस्तों की शादी वगैरह पे जाके जाती हैं, वहाँ पे तो लोग डिमांड करते होंगे कि जी सुनाएं, कुछ रैप करके सुनाएं। इट डिपेंड्स, वैसे कभी बोला तो नहीं है किसी ने, क्योंकि यू नो बहुत कम ही होता है। अभी मैं किसी शादी पे गई हूँ, ज़्यादातर मैं अपने काम में ही बिजी होती हूँ। हाँ, बट नेक्स्ट इन फ्यूचर किसी ने मुझे बोला तो आई विल। चलिए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं ऐश।